हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम सिखाएंगे आप लोगों को कुछ इस टाइप से फेस स्मूथ बनाना गाइस, एंड आप लोगों को सिखाएंगे कुछ इस टाइप से फोटो एडिट करना गाइस। ये देखिए हमारी कितनी मस्त हमारी फोटो एडिट हुई है गाइस। आप लोगों को इस वीडियो में कुछ इस टाइप से फोटो एडिट करना सिखाएंगे गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपने कुछ देर को वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को बैक आ जाना है एंड अपने गैलरी वाले ऑप्शन में चले जाना है गाइस। एंड अपने ओरिजिनल फोटो को यहाँ पे आप लोगों को ले लेना है गाइस। तो ये रही हमारी ओरिजिनल फोटो। आप लोग क्या करना है, इसको यहाँ से शेयर कर लेना है। आप लोगों को यहाँ से इसको शेयर कर लेना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में गाइस। स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद यहाँ थोड़ा वेट करेंगे गाइस। वेट करने के बाद आप लोग क्या करना है, कुछ इस टाइप से खुलेगा गाइस। कुछ इस टाइप से खुलने के बाद आप लोग क्या करना है गाइस, यहाँ से आप लोगों को ये टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ इस टूल इमेज पे चले जाना है गाइस। एंड यहाँ से आने के बाद यहाँ से चौथे नंबर पे आकर एम्बिएंट को इतना अलग कर देना है, हाईलाइट को लगभग इतना रखना है एंड शेडो को इस तरह से बढ़ा देना है एंड राइट क्लिक कर देना। उसके बाद फिर से जाएंगे यहाँ से सिलेक्ट को ले लेंगे गाइस। सिलेक्ट को लेने के बाद कुछ इस टाइप से लेकर आप लोग के यहाँ से क्या करना है, ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड फिर से एक बार और ले लेंगे गाइस। एंड इस तरह से ले लेंगे एंड यहाँ से भी ब्राइटनेस को बढ़ाकर यहाँ से सेचुरेशन को बढ़ा देंगे। एंड आप लोगों को जहाँ जहाँ ब्लैक दिखेगा गाइस आप लोगों को इस तरह से ले लेना है एंड इस तरह से आप लोगों को बढ़ा लेना है गाइस। यहाँ भी रख कर आप लोगों को इसी तरह से कर लेना है। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, हल्का सा इसको सेचुरेशन माइनस करके राइट क्लिक कर देंगे। फिर से टूल्स वाले स्क्रीन पे जाएंगे गाइस, यहाँ से सिलेक्ट होकर फिर से एक बार ले लेंगे एंड अपने फेस पे चले आएंगे गाइस। एंड यहाँ से क्लिक करके इस टाइप से राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह से यहाँ से फोटो को शेयर कर लेंगे गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन में। यहाँ से आप लोग को शेयर कर लेना है गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन में। यहाँ ये देखिए आपको लोगो मिल जाएगा, इस पर टाइप कर देना है गाइस। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे आपको कुछ इस टाइप से खुल जाएगा गाइस। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ से ऑल फोटो में चले जाना है गाइस। ऑल फोटो में जाने के बाद आप लोग को एक प्रीसेट मिल जाएगा गाइस, आप लोगों को वो वाला प्रीसेट ले लेना है गाइस। तो ये रहा हमारा प्रीसेट, आप लोगों को इसी प्रीसेट को यहाँ से ले लेना है एंड यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है गाइस। थ्री डॉट पर क्लिक करके मैं यहाँ से कॉपी सेटिंग इस तरह से राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोग क्या करना है, बैक आ जाना है एंड अपनी फ़ोटो को ले लेना है गाइस। यहाँ से आप लोगों को ढूंढ लेना है, यहाँ से ढूंढ लेना है। सही रही हमारी गाइस फ़ोटो। आप लोग क्या करना है, इसी फ़ोटो को ले लेना है एंड थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से फेस की सेटिंग कर देना है। इस फेस्ट सेटिंग करने के बाद आप लोग के वेट करने के बाद कुछ इस टाइप से खुलेगा गाइस। ये देखिए आप लोग क्या करना है, इसके बाद इस फोटो में कुछ नहीं करना है गाइस। आपको इधर आ जाना है, कलर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड मिक्स पे जाना है आप लोगों को एंड दूसरे नंबर पे आकर इसका इसको 100 रख देंगे गाइस। एंड यहाँ से फ़ोटो को शेयर कर लेंगे गाइस स्केच बुक एप्लीकेशन में। यहाँ से फ़ोटो को शेयर कर लेंगे, यहाँ थोड़ा वेट करेंगे गाइस एंड यहाँ से स्केच बुक एप्लीकेशन में फ़ोटो को शेयर कर लेंगे। जैसे आप लोग फ़ोटो को शेयर करोगे गाइस आप लोग कुछ इस टाइप से ले गाइस एंड इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है गाइस, ब्रश वाले आइकन पे जाना है। उसके बाद आप लोग को ब्रश वाले आइकन पे जाना है एंड ये वाले ब्रश को ले लेना है। सेटिंग देख ले लीजिए गाइस एंड इसको सेव रखना है एंड इसको 5 रख के आप लोग को एच अपने हिसाब से रख लेना है एंड इस तरह से जाकर फेस स्मूथ कर लीजिए। देखिए हमारा फेस स्मूथ कितना मस्त हो रहा है गाइस। आप लोगों को इस तरह से फेस स्मूथ कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा इस तरह से आप लोग भी फेस स्मूथ कर लीजिए। चलिए हम आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो ये देखिए गाइस हमारा फेस स्मूथ हो चुका है। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ से इस वाले ऑप्शन लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से एक लेयर बना लेना है गाइस। एंड यहाँ से इस वाले लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ब्लेंडिंग पे चले जाएंगे गाइस। यहाँ से सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देंगे एंड बैक आ जाना है आप लोग को। इस वाले कलर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इसका ये वाला 100 नीचे वाला पूरा 100 रखना है। उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद आप लोग के लाइब्रेरी जाना है एंड यहाँ से आ जाना है ब्रश वाले आइकन को चूज कर लेना है। इसका ओपेसिटी यहाँ से पूरा 100 रख लेना है। साइज को इस तरह से अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद रखने के बाद इस तरह से आप लोग चला लीजिएगा अपने हैंड एंड फेस पे जहाँ जहाँ आप लोग को ग्रो करने के लिए। हम आप लोग को जल्दी से चला कर दिखा देते हैं गाइस। तो इस तरह से चला लेना है गाइस आप लोगों को एंड आप लोग इसके बाद क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड इस तरह से लेयर पे टाइप करके एंड ऑक्सीडी को अपने हिसाब से रख लीजिएगा एंड हमको लगभग इतना आप लोगों को रख लेना है गाइस। आप लोग क्या करना है उसके बाद, यहाँ से आप लोगों को फोटो को शेयर कर लेना है गाइस। आप लोगों के यहाँ से शेयर कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में गाइस। अगर आप लोग के पास पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तभी आप लिंक एडिटिंग ऐप की लिंक आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग को फोटो सॉरी ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप लोग को शेयर करने के बाद यहाँ से लॉग करेंगे कुछ इस टाइप से खुले जाएंगे। उसके बाद आप लोग कुछ नहीं करना है गाइस। आप लोग ये देखिए कुछ इस टाइप से खुला है, आप लोग कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप लोग को टूल्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है गाइस। यहाँ से इस वाले ऑप्शन को ले लेना है, कुछ इस टाइप से ले लेना है गाइस एंड फोटो को इस तरह से जूम कर लेना है एंड अपने हेयर को इस तरह से आराम आराम से गाइस उठा लीजिएगा। ये देखिए लगभग इस तरह से एक एंड ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर तीन नंबर तुम्हारा हेयर लग रहा है। इसके बाद राइट क्लिक कर देना, उसके बाद फिर से फोर्थ वाले ऑप्शन पे जाएंगे गाइस एंड यहाँ से अर्जेस्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे गाइस। यहाँ से उसके बाद आप लोग क्या करना है, सैचुरेशन वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड सैचुरेशन पे क्लिक करके इसको 100 कर लेना है। डायरेक्ट करने के बाद एरेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड आप लोग को यहाँ से एरेज कर लेना है गाइस। इस तरह इसके ऊपर इरेज एंड अपने यहाँ पैर पे इरेज कर लेना है गाइस एंड राइट क्लिक कर देना है। एक फिर से यहाँ टूल्स पे जाएंगे, एडजस्ट पे जाएंगे गाइस, यहाँ से सैचुरेशन पे जाएंगे एंड फिर से 100 इस तरह से कर लेंगे गाइस। फिर से इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ से आप लोगों को इस तरह से इरेज कर लेना है गाइस। आप लोगों को यहाँ से 2 या 3 बार इस तरह से आप लोगों को इरेज कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग राइट क्लिक कर दीजिएगा, एक बार और कर लेंगे गाइस। सर यहाँ से कट करके यहाँ से टूल पे जाएंगे, एडजस्ट पे जाएंगे एंड सैचुरेशन पे जाएंगे, उसको भी हम एक बार और 100 कर लेंगे गाइस एंड इरेज वाला ऑप्शन पे जाकर यहाँ से आप लोग इरेज कर लेना है। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से इरेज कर लेना है गाइस एंड इसको राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस वाले तीसरे नंबर पे क्लिक कर देना है गाइस एंड आप लोग इधर आ जाना है कलर्स वाले ऑप्शन पे एंड कलर रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे गाइस एंड यहाँ से इसको पकड़ कर इस तरह से लेकर गाइस यहाँ इस तरह से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इसको 100 पूरे रेड को सिलेक्ट कर लेना है एंड इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे गाइस एंड यहाँ से इस टाइप से अपने पैर से हटा लेंगे गाइस को, इस यहाँ से इस तरह से हटा लेंगे इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ इस तरह से सेट कर लेंगे एंड राइट क्लिक
कर देंगे गाइज कुछ इस टाइप से। उसके बाद आप लोग क्या करना, फिक्स से इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड कलर पे जाएंगे एंड यहाँ से इसको ले लेना है एंड यहाँ से करके यहाँ से ग्रीन को सिलेक्ट कर लेना है एंड ग्रीन को पूरा 100 कर देना है एंड राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है गाइज। उसके बाद हेयर कलर पे चले जाना है। उसके बाद इधर आ जाएंगे गाइज, आप लोग को रेड पे सिलेक्ट कर लेना है एंड इस पर इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग कुछ इस टाइप से अपने लिप पे चला लेना है गाइज। कुछ आप लोग को लिप पे चला कर एंड ओनली जहाँ जाएगा यहाँ से इरेज करके आपको फोटो को इस तरह से रख कर गाइज एंड आप लोगों को लगभग इतना सा रख लेना है एंड राइट क्लिक कर देना। सो ये देखिए गाइज, हमारी फोटो बनके रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फोटो को डाउनलोड करने के लिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।